ये पटना का रोड है, मंत्री जी वाला रोड है ना जी, मंत्री जी वाला सचिवालय वाला रोड है ये, सेक्रेटरिएट वाला ये सड़क है। और देखिए पटना का हाल देखिए, यहाँ से महज मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के दूरी पे मंत्री संतरी रहते होंगे, है ना, 200-300 मीटर मात्र, सोचिए 200-300 मीटर के दूरी मात्र रहते हैं। और देखिए मंत्री जी वाला रोड का हाल देख लीजिए, बड़ा बड़ा कार्यालय है, स्थिति देखिए जो है पटना का स्थिति, लोग सवाल करता है तो पत्रकारों को भी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन स्थिति देखकर जो है हंसी आती है। लगता है बारिश में यही हाल होता है ना भैया, डाक बंगला भी है ना। अच्छा तो मंत्री साहब निकलते होंगे तो उनको ऐसे नहीं दिक्कत होता होगा, इनको फर्क नहीं पड़ता है ना, बारिश सुखा के निकलते हैं, क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक पनिया सूखेगा नहीं तब तक मंत्री जी निकलवे नहीं करेंगे घर वाले, है ना। अब अगर इमरजेंसी हो तो इनोवा में बैठेंगे और आराम से निकल जाएंगे, जब निकलना होता है तो क्या होता है, निकलना रहेगा जी, जब मंत्री जी को निकलना होगा, मुख्यमंत्री जी को निकलना होगा, तो जितना नगर निगम का कर्मचारी है सब आएगा और पूरा पानी को सुखाएगा। देखिए देखिए जगह जगह पर कितना पानी जमा है भाई, बाप रे बाप, देखिए ना पटना का हाल देख लीजिए, पटना बिहार की राजधानी है अभी भी नहीं सुधरा है रे भाई, बताइए बाप रे बाप, देखिए तो एकदम फुहारा मार, देखिए नगर निगम किस तरह से उड़ते हुए जा रहे हैं ये पानी का मजा लेते हुए, देखिए बताइए ये पटना का हाल है, सोचिए ना कितना खराब स्थिति है, इतना पानी जमा हुआ है हर जगह पे, काश मुख्यमंत्री जी हमारे इधर भी ध्यान दिए होते, डिप्टी सीएम जी भी इधर ध्यान दिए होते, लेकिन क्या करेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 भाई, अभी भी राजधानी का ये हाल रहेगा भाई, कब हमारा बिहार बदलेगा, नहीं बदलेगा उम्मीदें नहीं है, क्या बोले, छोटी नदी में जाना बाकी है अभी, ओ माय गॉड, देखिए अभी एक और नदी है, जबकि अभी पूरा बरसात सही से नहीं आया है, मौसम तो बरसात का आ गया है लेकिन अभी पानी जो है रुक रुक के पड़ रही है, काफी लेट ये मानसून जो आया है। अब देखिए छोटी नदी में हमको ले जाएंगे भैया, अब देखना होगा क्या छोटी नदी का क्या रास्ता है, देखिए पटना का खूबसूरती देखिए, लेकिन वही जब पानी देखेंगे आप, देखिए उधर भी पानी जमा हुआ है उधर, लेकिन पानी का रास्ता जो है वो निकलना चाहिए, लेकिन क्या बताएं हम, चलिए आपको छोटी गंगा का भी हम दर्शन करवाते हैं, चलिए अब पटना का फिर से आपको हम छोटी नदी दिखाते हैं, देखिएगा भाई पटना का हाल थोड़ा देखिएगा, देखिए अब बताइए ये है पटना का छोटी नदी, वाह वाह रे वाह वाह, ओ माय गॉड, बताइए क्या तेजस्वी जी, नीतीश बाबू चलिएगा इसमें, अरे इसमें तो हम ही लोग चलेंगे ना, आम नागरिक चलेगा, गरीब लोग चलेगा, बताइए बाबा रे बाबा, क्या स्थिति है पटना का आप सोच सकते हैं, देखिए 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 पूरा देखिए क्या हालात हैं, छोटी नदी के नाम से यह मशहूर हो चुका है, पूरे पटना का हाल देख लीजिए क्या है, ओहो हाय रे किस्मत, नेताजी कहाँ सो रहे हैं इस बरसात में, थोड़ा बाहर निकल कर देखिए तो, देखिए देखिए क्या होगा पटना का भाई, पटना ही नहीं बिहार का जितने भी जो शहर है ना सबका यही हालात होते हैं बरसात के मौसम में, कहीं कोई से सुधार नहीं है, देखिए ये लोग जो है कैसे जाएगा, ये लोग इस पानी में जो है वो कैसे जाएगा, किसी के पैर भीगेंगे, जूता भीगेगा, सोच सकते हैं, बदतर स्थिति है, बदतर कुछ नहीं कह सकते, देखिए देखिए कैसे ऑटो जा रहा है, देखिए 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 आप सभी देखिए, चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, और नीतीश जी को जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं उनको कहिए पहले बिहार सुधारिए, उसके
इसके बाद आप देश सुधारने की बात कीजिएगा। देखिए कैसे जो है पानी में ऑटो खड़ा है, ऑटो पर कोई बैठने के लिए आएगा इस पानी में, देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं।